इससे सप्लाई चेन इफेक्ट होगी, लाखों गाड़ियां विदाउट पासिंग खड़ी हो जाएंगी देश भर में। उसका परिणाम यह हुआ कि देश भर में गाड़ियां रजिस्टर होनी बंद हुई। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने एक रूल्स में अमेंडमेंट के लिए सजेशन ऑब्जेक्शन मांगी। ये बहुत बड़ी एक रिलीफ है पूरे ट्रांसपोर्ट जगत के लिए, पूरे देश भर में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। फिटनेस करवाने के लिए ऑटोमेटेड स्टेशन की भारी कमी, नहीं चल पा रही थी गाड़ियां, सरकार ने दी बड़ी राहत। दोस्तों, मोर्थ ने 5 अप्रैल 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, जिसके तहत मोटर व्हीकल एक्ट के रूल नंबर 62 में उन्होंने कुछ बदलाव किए, जिसका ताल्लुक फिटनेस करवाने को लेकर था। इसके मुताबिक 8 साल तक के पुराने वाहनों के लिए 2 साल और 8 साल से पुराने वाहनों के लिए हर 1 साल में फिटनेस करवाना जरूरी था, और ये फिटनेस होनी थी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से, जिसके लिए 1 अप्रैल 2023 से भारी माल वाहनों, भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए ये नियम लागू होने जा रहा था। इस नोटिफिकेशन के बाद से ही ट्रांसपोर्ट जगत में खलबली मची हुई थी, क्योंकि पूरे देश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस की भारी कमी है। ऐसे में फिटनेस करवाना सभी गाड़ी मालिकों के लिए बहुत भारी पड़ जाता। इसके लिए AIMTC की तरफ से काफी प्रयास किए गए, लोगों ने आवाज उठाई, और अभी हाल ही में मार्च में महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से AIMTC ने मुलाकात की, ज्ञापन पत्र सौंपा कि इस संशोधन में अभी सुधार किए जाएं और ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों को कुछ राहत दी जाए, क्योंकि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस तो है नहीं, गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, सप्लाई चेन रुक जाएगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों को। तो महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इस बात को समझा और माना, और उसके बाद 3 अप्रैल 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर ये करार कर दिया कि 1 अक्टूबर 2024 तक जिस तरह से फिटनेस होती थी, यानी कि मैनुअल, वो होती रहेगी। भारत सरकार ने एक अधिसूचना नंबर 272 जो कि 2022 को जाहिर की थी, जिसमें अनिवार्य किया था, मैंडेटरी किया था, जो भी कॉमर्शियल गाड़ियां हैं 1 अप्रैल 2023 से ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पे ही पास होंगी, यानी उनका रिन्यूअल ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पे ही होगा। हमने इसका समय के पहले संज्ञान लिया और 10 मार्च को हम महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विवेक बिबनवार से मिले। उनको ये बताया कि 1 अप्रैल 2023 से जो मैंडेटरी आप कर रहे हैं, आपके पास देश भर में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इससे सप्लाई चेन इफेक्ट होगी, लाखों गाड़ियां विदाउट पासिंग खड़ी हो जाएंगी देश भर में। और एक पत्र भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे को लिखा, उसका परिणाम यह हुआ कि जब 1 अप्रैल से देश भर में गाड़ियां रजिस्टर होनी बंद हुई, 3 अप्रैल 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने एक रूल्स में अमेंडमेंट के लिए सजेशन ऑब्जेक्शन मांगी, जिसका कि समय 1 अक्टूबर 2024 तक दिया गया। और इसी तरह कल ही, यानी कि 3 अप्रैल हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महाराष्ट्र ने एक एडवाइजरी जाहिर की है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कोई भी गाड़ी ये जो नोटिफिकेशन है 272 उसके कारण रुकेगी नहीं, और जो मैनुअल टेस्टिंग हो रही है, मैनुअल टेस्टिंग के आधार पर गाड़ियां पास होंगी। ये बहुत बड़ी एक रिलीफ है पूरी ट्रांसपोर्ट जगत के लिए, पूरे देश भर में, क्योंकि लाखों गाड़ियां 1 अप्रैल से रजिस्टर नहीं हो रही थी। बाल मलकीत सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट को। अब इस पर सवाल यह उठता है कि ये तो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए था, बाकी राज्यों के लिए क्या? तो इसके लिए हमने AIMTC के बाल मलकीत और नवीन गुप्ता से बात, तो उनसे ये स्पष्ट जानकारी मिली कि ये सिर्फ अभी महाराष्ट्र के लिए है, बाकी स्टेट्स के लिए भी सरकार ने ड्राफ्ट रूल जारी किया हुआ है, 1 या 2 दिन में बाकी स्टेट्स के लिए भी ये नियम आ जाएगा, यानी 1 अक्टूबर 2024 तक इसे टाल दिया जाएगा। जैसे पहले फिटनेस हो रही थी वैसे ही फिटनेस होगी, फिलहाल के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। आपके इस वीडियो को लेकर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।